to Skytrapper, a new education learning platform. Today I am going to tell you about the Nazi world view. What I discussed in the last class, World War II, where again Germany lost and who win? Again Allies power win. तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में देख ली थी और वहाँ से जर्मनी का सारा चिट्ठा ख़त्म हो जाता है। अब हमें बस ये देखना है कि आखिर हिटलर ने क्या किया था, क्यों किया था, क्यों उसे सुसाइड करना पड़ा। क्योंकि यार देखो, युद्ध में सब इन्वॉल्व होते हैं, मतलब शामिल होते हैं, लड़ते हैं, लेकिन ऐसे कोई सुसाइड नहीं कर लेता है ना। तो आखिर ऐसे क्या उन्होंने क्राइम्स किए थे जर्मनी में जो उन्हें सुसाइड करना पड़ा। तो भैया देखो, नाजी वर्ल्ड व्यू यानी कि नाजी विचारधारा। कैसी विचारधारा? जो नाजी की विचारधारा थी वो कहीं ना कहीं बिलीव्स एंड सेट ऑफ प्रैक्टिसेस पे बेस्ड थी। बिलीव्स यानी कि विश्वास, सेट ऑफ प्रैक्टिसेस का मतलब प्रथाएं जो चलती आती है ना, एक तरह से अगर बोलो तो ट्रेडिशन, धार्मिक प्रथाएं, या फिर एक यहाँ पर रेस के टर्म पे जाति, रिलीजन है ना, धर्म के बेसिस पे जो भी प्रैक्टिसेस वगैरह, तो इस पे बेस थी। और वो क्या थी सुनो, हिटलर को लगता था कि जर्मनी की डेवलपमेंट, जर्मनी के अच्छे भविष्य, जर्मनी की तरक्की के लिए सिर्फ वही लोग सही हो सकते हैं जो कि प्योर जर्मन है। अब हिटलर के अकॉर्डिंग प्योर जर्मन की डेफिनेशन क्या है? हिटलर के अकॉर्डिंग प्योर जर्मन यानी कि नॉर्डिक जर्मन आर्यंस। अब ये क्या होते हैं? वो लोग जिनके ब्लॉन्ड हेयर होते हैं, एकदम ब्लू आइड है ना, और स्ट्रेंथ, पावरफुल। तो इन तरह के लोगों को जर्मन हिटलर प्योर जर्मन समझता था। तो उसके नज़रिए में नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर एट द टॉप एंड द जूज वर एट द बॉटम। मतलब हमारे यहाँ कम्युनिटीज़ होती है ना कास्ट के बेसिस पे, तो उस तरह से आर्यन वहाँ पर एक कम्युनिटी होगी जिसको हिटलर एकदम टॉप पे रखता था, और जूस जो कम्युनिटी थी उसको एकदम लो, एकदम बिलो, सबसे नीचे रखता था। तो यहाँ पर एक रेशियल हायरार्की चलती थी जिसमें डिसाइड किया जाता था कि कौन सबसे ऊपर रहेगा, किसको सबसे ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंस देनी है ना, किसको सबसे ज़्यादा मान्यता दी जाएगी और किसको सबसे नीचे रखा जाएगा। तो टॉप पे पता चल गया नॉर्डिक जर्मन आर्यंस होते हैं, उनकी क्या फीचर्स, क्या क्वालिटीज़ हैं, उनके ब्लॉन्ड हेयर, ब्लू आइड है ना। तो ये ब्लू आइज हमें लगता है हनी सिंह को वहीं से आइडिया मिला होगा। और इसके बाद क्या होता है कि अब क्योंकि रेशियल हायरार्की थी, रेस यानी कि जाति, धर्म के आधार पर, और तीसरा टर्म यहाँ पर है कलर ना, कलर, स्किन कलर के बेसिस पे भी इनको परखा जाता था कि ये गोरे काले हैं तो ये रहेंगे तो नहीं रहेंगे इस टर्म पे। तो इन सब के चलते यहाँ पे इक्वालिटी की तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं। देर इज़ नो इक्वालिटी इन जर्मनी, मतलब बिटवीन पीपल, बट ओनली अ रेशियल हायरार्की। रेशियल हायरार्की के टर्म पे उन डिसाइड किया जाता था कि कौन जर्मनी में रहने के लायक है और कौन जर्मनी में रहने के लायक नहीं है। तो हिटलर ने डिसाइड कर दी डेफिनेशन, और इसके अकॉर्डिंग उसने बांट दिया जर्मनी के लोगों को दो पार्ट्स में, डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल। यू कैन सी इन द फोर पॉइंट, ऑल अदर कलर्ड पीपल वर प्लेस्ड इन बिटवीन डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटर्नल फीचर्स। मतलब देखो, टॉप पे तो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस आ गए और एकदम बॉटम पे आ गए हमारे जूस, यहूदी है ना। उसके बाद जो बीच के लोग होते हैं तो उनको उनके एक्सटर्नल फीचर्स के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि ये जर्मन, प्योर जर्मन है या फिर नहीं है। समझ आई बात? तो अब क्या हो रहा था, ये तो एक इनका अलग आइडिया था ही जर्मनी में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। दूसरा, हिटलर किससे इंस्पायर था, किससे इन्फ्लुएंस था? तो वो थे हमारे साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन, और दूसरे थे हर्बर्ट स्पेंसर। चार्ल्स डार्विन ये देख लो, प्रोफेसर डंबलडोर की तरह दिख रहे हैं। जानते हो प्रोफेसर डंबलडोर? हैरी पॉटर में थे ना, सबने देखी होगी हैरी पॉटर। तो उसमें जो प्रोफेसर डंबलडोर थे, ठीक उसी तरह से कुछ ये चार्ल्स डार्विन हैं, दिख रहे हैं हमको।
अब यहाँ से तुम्हें ये भी याद हो जाएगा कि चार्ल्स डार्विन जर्मन के ही साइंटिस्ट थे, जर्मनी के साइंटिस्ट थे, और हर्बर्ट स्पेंसर भी। और चार्ल्स डार्विन की थ्योरी क्या थी? इवोल्यूशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सेलेक्शन। तो इनकी ये थ्योरी थी, तो हिटलर इनकी थ्योरी से इन्फ्लुएंस था। इनकी थ्योरी ये कहती थी कि कोई भी चीज़ है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, अगर वो नेचुरल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को अडाप्ट करते हैं तो वो आगे सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और कोई भी चीज़ है वो परमानेंट नहीं रहती है, ठीक है, अगर वो क्लाइमेट और बदलती चीज़ों के साथ खुद में बदलाव कर सकती है तो वो एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। और नई नई चीज़ों का एवोल्यूशन होगा, ज़रूरी नहीं है जो चीज़ आज है वो कल भी रहे। फॉर एग्जाम्पल, डायनासोर्स कम हो गए, वो कई साल पहले थे और आज नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? वो बदलते क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, बदलते नेचुरल प्रोसेस के अकॉर्डिंग खुद को बदल नहीं सके, इस वजह से वो अब कम हो गए, मतलब ना के बराबर है ही नहीं। तो ये इनकी थ्योरी थी चार्ल्स डार्विन की। तो इनकी थ्योरी थी प्लांट्स एंड एनिमल्स पे, ना कि ह्यूमंस पे। लेकिन हिटलर तो सन की, उसको लगा कि वो इनसे इन्फ्लुएंस था, और इनसे इन्फ्लुएंस होके वो इनकी थ्योरी को किस पे लागू लगा रहा था, किस पे अप्लाई कर रहा था? जर्मन्स के लोगों पे, जर्मन पीपल्स पे, ठीक है, समझ गए। और किससे इंस्पायर था ये? हर्बर्ट स्पेंसर से। ये भाई साहब देख रहे हो इनका, मतलब क्या स्टाइल देखो इनका, दाढ़ी वाड़ी का एकदम बीच में एकदम गायब और बाहर। तो इनका इनकी थ्योरी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इनकी थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब कि वही सर्वाइव कर सकता है कि जो फिट रहेगा। अगर आप फिट नहीं रहोगे तो आप सर्वाइव नहीं कर सकोगे, है ना? तो ऐसा था। तो हिटलर को इनकी थ्योरी से भी इंस्पायर था, इस वजह से हिटलर का एक जो एक प्योर जर्मन और या फिर डिजायरेबल और अनडिजायरेबल लोगों के बीच में क्लासिफिकेशन करने के लिए इनको यहाँ से भी एक पॉइंट मिला। द पीपल हु आर स्ट्रॉन्गेस्ट ओनली डिजर्व टू लिव इन जर्मन, ठीक है। तो इन दोनों की थ्योरी से हिटलर इंस्पायर था। तो अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर, अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया, ओनली दोज स्पीसीज सर्वाइव्ड ऑन अर्थ दैट कुड अडेप्ट themselves to changing climatic condition, वही species survive कर सकती हैं जो कि nature या फिर climatic conditions के according, बदलती हुई climate conditions के according उसमें adapt करें, है ना, और fit रहें, तभी survive कर सकती है। तो इनसे हिटलर inspire था, इन दो चीज़ों से। लेकिन हमने तो बताया कि डार्विन नेवर एडवोकेटेड ह्यूमन इंटरवेंशन, उन्होंने ये सब चीज़ें ह्यूमंस के लिए नहीं की थी कि भैया कि आप इसको ह्यूमंस के लिए भी अप्लाई करो। तो लेकिन अभी क्या कर सकते थे साइंटिस्ट? तो साइंटिस्ट ही रहेंगे, राजा तो नहीं बन सकते। तो इन सब के चलते नाजी का सिंपल आर्ग्यूमेंट था कि द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड द वीक वन वुड पेरिश। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट रेस के लोग ही सरवाइव करेंगे जर्मनी पे, और वीक रेस के लोग सरवाइव नहीं करेंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट रेस उसके नज़रिए में क्या था? मैंने तुम्हें बताया, फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग, ब्लू आइड, ब्लॉन्ड हेयर्स एंड फेयर स्किन कलर। गोरे चिट्टे चाहिए इनको, काले वाले लोग नहीं चाहिए। हालांकि ये गोरे और काले लोगों का जो भेदभाव है वो अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी भी US में देखने को मिलता है ना? तो समझ में आया ये सारी चीज़ें कि उसका वो क्या चाहता था, कैसे लोगों को जर्मनी में रखा जाता रख रख सकते हैं, और उसके नज़र में कौन से लोग रहने लायक हैं, कौन से लोग रहने लायक नहीं हैं, और क्यों नहीं है। उसको ज़रा सा भी लगता था कि ये इंसान फिजिकली भी वीक है, और स्किन कलर उसका डार्क है, और वो टॉप मतलब आर्यन की कास्ट में नहीं आता है और उससे नीचे है, तो फिर वो रहने लायक नहीं है। ये उसका सोचने का तरीका था, ठीक है। और अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम देखने को मिलेगा कि और भी उसकी कई सारी आइडियोलॉजी हैं जिस पे वो वर्क करता था। तो इसकी तीसरी आइडियोलॉजी है जिस पे ये वर्क करता था, वो है लेबेंसराम, जिसका मतलब होता है लिविंग स्पेस,
ये सारी चीज़ें तो थी ही कि मतलब लोग कौन से लोग रह सकते हैं कौन से लोग नहीं रह सकते हैं अकॉर्डिंग टू रेशियल हायरार्की। देन उसके बाद चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरी से इन्फ्लुएंस इंस्पायर होके वो जो भी स्टेप्स ले रहा था। देन उसके बाद जो उसकी तीसरी थ्योरी थी लेविनस्ट्रॉम, यानी कि जितना ज़्यादा अपना लिविंग स्पेस बढ़ाओगे उतना ही अपनी टेरिटरी को स्ट्रॉन्ग करते जाओगे पावरफुल बनाते जाओगे। यहाँ पर लिखा है ही बिलीव्ड न्यू टेरिटरीज हैड टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट, दिस वुड इन्हांस द एरिया ऑफ मदर लैंड। मतलब मदर लैंड या फिर मदर कंट्री जो जर्मनी के खुद की एरिया है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना लिविंग स्पेस बढ़ाएंगे और बाकी जगहों को अपने जर्मनी में इंक्लूड करते जाएंगे, वाइल इनाबलिंग सेटलर्स ऑन न्यू लैंड टू रिटेन एन इंटीमेट लिंक विद द प्लेसेस ऑफ देयर ओरिजिन। अपना हमें फिलहाल उसका एक ही मुद्दा था कि हमको जगह बढ़ानी है, कब्जा करना है बस। तो ये जो हम चीज़ें बता रहे हैं ना, ये सब 1945 मतलब या तो कह सकते हो 1932 जब उसको चांसलर बनाया गया था, 1932 से लेकर 1945 के बीच का माहौल है। उस बीच में उसकी क्या थिंकिंग थी, उसने क्या किया, कैसे वहाँ के लोगों को परेशान किया, ये उस वक्त की बात है। 1945 के बाद हमें जर्मनी के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक? तो ये चीज़ें याद रखना। सेकेंड सेकेंड पॉइंट है इट वुड ऑल्सो इन्हांस द मटीरियल रिसोर्सेज एंड द पावर ऑफ जर्मन नेशन। ये वही चीज़ें हैं, अटैक करेगा, टेरिटरीज लेगा, रिसोर्सेज बढ़ेंगे और जर्मनी की पावर स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये बार बार वही रिपीटेडली चीज़ें आ रही हैं। देन उसके बाद क्या होता है, अगैन अगैन हिटलर इंटेंडेड टू एक्सटेंड जर्मन बाउंड्रीज टू मूविंग ईस्ट वर्ड टू कॉन्सेंट्रेट ऑल जर्मन ज्योग्राफिकली इन वन प्लेस। मैंने तुम्हें बताया कि हिटलर का इंटेंशन था ईस्टर्न साइड पे बढ़ते जाना, है ना? तो ऐसा उसके दिमाग में ये क्यों आया कि हम उधर बढ़ते जाएंगे और हमें कुछ भी नुकसान नहीं होगा और हम जीत जाएंगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब उसने पोलैंड पे अटैक किया था, यहाँ पे लिखा है ना पोलैंड बिकम अ लैबोरेटरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंटेशन। एक तरह से पोलैंड पे इन्वेड करके हिटलर को एक एक्सपेरिमेंट उसमें उसको एक एक्सपेरिमेंट करने को मिला, क्योंकि जब उसने पोलैंड पे अटैक किया था तो लोगों ने मतलब इंग्लैंड और आसपास की कंट्रीज़ ने आवाज़ नहीं उठाई थी, वो इस वजह से नहीं उठाई थी कि भैया चलो ठीक है कर लेने दो। तो उसको लगा कि यहाँ भी कोई नहीं बोलेगा, तो बाद में तो क्या ही हुआ सबको पता है। तो ये सारी चीज़ें थी। और अब तो अभी आज हमने नाजी वर्ल्ड व्यू देखा, मतलब कि किस तरह की विचारधारा थी, कि किस चीज़ के बेसिस पे उन वो लोगों को क्लासिफाई कर रहा था, उनके बीच में डिवीज़न कर रहा था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन समझ रहे हो ना, कास्ट रिलीजन और कलर के बेसिस पे जब डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, ठीक है? तो आज की क्लास में क्या देखा हमने, हमने ये देखा कि हिटलर ने हमेशा मतलब पार में आने के बाद नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को हमेशा टॉप पे रखा और बॉटम में जूस को रखा, और जो बाकी बीच में बच गए थे उनको उनके एक्सटर्नल फीचर्स के अकॉर्डिंग डिसाइड किया कि आप रहने लायक हो या फिर नहीं रहने लायक हो। अभी आगे चल के हम ये पढ़ेंगे कौन इम्प्योर प्योर और इम्प्योर जर्मन, डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल लोग, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि हिटलर किन से इंस्पायर था, किन आइडियोलॉजी पे वो काम करता था। चार्ल्स डार्विन और स्पेंसर से इन्फ्लुएंस था, उनकी थ्योरी से इन्फ्लुएंस था, हालांकि वो थ्योरी इंसानों के लिए नहीं थी लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सकते। उसके बाद फिर उसकी आइडियोलॉजी लेविनस्ट्रॉम, अपने लिविंग स्पेस को बढ़ाना, अपनी टेरिटरीज को बढ़ाना ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज आए, ईस्टर्न साइड पे अटैक करना और पोलैंड को एज अ एक्सपेरिमेंटली यूज़ करना, ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे स्टैब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल यूटोपिया। रेशियल स्टेट का मतलब रेशियल, अभी भी हम वही चीज़ें खींचेंगे कि अभी तक हमने सिर्फ नॉर्डिक जर्मन आ रहे हैं और जूस का ही जिक्र किया है। बीच के लोग कौन थे, है ना, और किस तरह से उनको भगाया गया। अब डायरेक्टली तो नहीं कह देंगे ना जाओ भागो, डायरेक्टली सबको नहीं मारेंगे, तो क्या उसने दिमाग लगाया, क्या स्ट्रैटेजी थी, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आज के लिए मुझे उम्मीद है सब समझ में आया होगा। और
पीडीएफ के लिए यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम ग्रुप स्काई ट्रैपर ऑफिशियल. यू कैन ऑल्सो जॉइन माय इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स. ओके सो बाय बाय.